तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला है एसटीजी एचपीएल एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। जो एससीजी है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेड्रोपिन, एचपीएल है ह्यूमन प्रोलैक्टिन, उसके बाद रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन ऐसे हैं जो किसी भी वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी में ही रिलीज होते हैं। यदि एससीजी और एचपीएल की आप बात करोगे तो ये दोनों हार्मोन रिलीज होती है, प्लेसेंटल हार्मोन्स हैं, इनको प्लेसेंटा ही रिलीज करता है। जबकि जो रिलैक्सिन है, रिलैक्सिन इज मेनली रिलीज्ड बाय ओवरी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आप इसमें ओवरी ही बोलेंगे, लेकिन रिलैक्सिन इज आल्सो रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा, ठीक है, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप इसको ओवरी ही बोलेंगे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में, रिलैक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, और उसमें आंसर गया था क्या, कॉर्पस ल्यूटियम विच इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ओवरी। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट हो गया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हॉर्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मेटरनल ब्लड। बिल्कुल सही बात है, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है, ठीक है, उसके अलावा उसको फीटल ग्रोथ को भी देखना होता है। तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से ये सारे हॉर्मोन्स उसको इस इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट वाली कंडीशन से उसको डील करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो फीटल ग्रोथ है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, उसमें भी हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। फिर है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। जो आपका सी स्टेटमेंट है वो आपके बी वाले स्टेटमेंट का रीजन है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सारे दिए हुए स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन की कैटेगरी। हम इसको क्या कर दें, देखने में बड़ा भयानक लग रहा है ना, तो हम इसको भयानक नहीं है, लेकिन ये ईजी सा है पर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसकी कैटेगरी को हम मीडियम कर देते हैं, ठीक है, मीडियम कैटेगरी कर देते हैं।